हाय गाइज, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं CMF फ़ोन 1 का यहाँ पर फुल रिव्यू। इसको मैंने 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन को, उसके बाद आपको मैं यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है, बैटरी लाइफ कैसी है, कैमरा कैसा है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था और कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स देखने को मिलता है। ऊपर बड़े बड़े कैमराज देखने को मिल जाएंगे। ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो वहीं पर डिलीवरी बॉय मुझे दिखा कर गया था। आप चेकआउट भी कर सकते हो, मेरे यहाँ पर चैनल पे लाइव है वो वीडियो ओपन बॉक्स डिलीवरी की। और इस टाइप से ऊपर की तरफ फ़ोन रखा हुआ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको केबल देखने को मिल जाती है टाइप सी से सी वाली, और एक यहाँ पर दी गई है सिम इजेक्टर पिन कुछ अलग स्टाइल की सी। और यहाँ पर आपको स्क्रू ड्राइवर इसके बॉक्स में देखने को नहीं मिलता। और फ़ोन को यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें आपको चार्जर भी देखने को नहीं मिलता, जो कि एक छोटा सा मुझे कॉन लगा। बजट फ़ोनों में चार्जर कंपनीज को देना चाहिए। तो अब हम फ़ोन को ऑन पर यहाँ पर लगा देते हैं। बैक साइड यहाँ पर देखें तो ये आपको लेदर फिनिश में देखने को मिल जाती है, और CMF बाय नथिंग यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, और एक यहाँ पर यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाती है। यही सब आपको बॉक्स कंटेंट मिलते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको थोड़े थोड़े बेजल देखने को मिलते हैं, बट प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड की बात करूँ, एक पावर बटन आपको देखने को मिलता है। साइड का फ्रेम यहाँ पर प्लास्टिक। नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर एक आपको देखने को मिलता है सिम स्लॉट, चार्जिंग और स्पीकर ग्रिल। और दूसरी साइड चलें लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक माइक्रोफोन दिया गया है। बैक साइड चलें तो आपको यहाँ पर लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है। डुअल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, और LED फ्लैश। फिर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर 5 स्क्रूज, एक आपको बड़ा स्क्रू देखने को मिलता है। और फील यहाँ पर काफ़ी अच्छा आ रहा है बैक से फ़ोन। अब सिम कार्ड स्लॉट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हाइब्रिड वाला 2 सिम, और यहाँ पर SD कार्ड आप लगा सकते हो। SD कार्ड का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बट कभी कभी ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाता है समटाइम्स। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें ऑफर करी जाती हैं। नथिंग का यहाँ पर आपको 2.6 OS देखने को मिल रहा है, एंड्रॉयड वर्जन 14, और यहाँ पर 3 साल की अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी सॉफ्टवेयर ही इस फ़ोन की यहाँ पर मेन USP आपको देखने को मिल जाती है। अभी देख सकते हो अपडेटेड है बिल्कुल लेटेस्ट, और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच वगैरह भी आ रखे हैं फ़ोन में। अब UI यहाँ पर 120 हर्ट्ज पे भी आप इसको सेट कर सकते हो, और कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मक्खन स्मूथ फील होता है, और AMOLED डिस्प्ले के बाद ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो UI में यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मिलता है CMF फ़ोन या नथिंग फ़ोन में। अब बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर कुछ नया नथिंग ने यहाँ पर ट्राई करा है। स्क्रू से रिप्लेसेबल बैक दी है। फ़ोन यहाँ पर अच्छा लग रहा है, बिना कवर के आप यूज़ कर सकते हो, बस आप एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर यूज़ करना। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मैं ओकेश कहूँगा, थोड़े से यहाँ पर टूट सकता है पैनल वगैरह खोलने वोलने में, बाकी हल्के से यहाँ पर कॉर्नर्स चुभते हैं जहाँ पर स्क्रूज हैं। बाकी फ़ोन यहाँ पर लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा फील होता है। इन हैंड फील वगैरह फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। वेट की बात करूँ 197 ग्राम का है, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर फ़ोन में काफ़ी अच्छा है, तो ये भारी फील नहीं होता। और थोड़ा सा टॉल फ़ोन है तो बड़ा सो फील होता है। डिस्प्ले विजिबिलिटी की बात करूँ 2000 nits की यहाँ पर पीक ब्राइटनेस है। कोई भी आउटडोर वगैरह में दिक्कतें वगैरह मुझे यहाँ पर फेस नहीं हुई। और टच रिस्पॉन्स की बात करूँ वो भी काफ़ी अच्छा है। UI एकदम मक्खन स्मूथ, बटरी स्मूथ चलता है। डिस्प्ले 6.7 inches की है, थोड़ा टॉल फ्रेम का ये फ़ोन है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। AMOLED यहाँ पर इस प्राइस में ऑफर करी जाती है 15,000 के आसपास। और एक चीज़ और मैंने यहाँ नोटिस करी कि ये फ़ोन आराम से 4K वीडियोस चला पा रहा है, क्योंकि कुछ फ़ोन्स को मैंने यहाँ पर इससे भी महंगे बजट के देखे 4K वीडियो पे अटक जाते हैं, बट ये फ़ोन यहाँ पर बटरी स्मूथ है, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। CMF फोन 1 इसका हम लोग करने वाले ऑडियो टेस्ट, देखेंगे यहाँ पर आवाज़ कैसी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलता है, सो शुरू करते हैं। वॉल्यूम फुल करता हूँ,
आवाज की बात करूं, लाउड और अच्छी देखने को मिल जाती है, बट कहीं पर आप मिस करोगे यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सारे फोनों में आपको देखने को मिल जाता है स्टीरियो स्पीकर्स। वैसे आवाज अच्छी देखने को मिलती है, बट एक चीज मिस करोगे। परफॉर्मेंस के लिए Dimensity 7300 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसके यहाँ पर Geekbench स्कोर की मैं बात करूँ तो अच्छे खासे यहाँ पर स्कोर देखने को मिलते हैं। सिंगल कोर में 1000 प्लस और यहाँ पर मल्टी कोर में 3000 के आसपास का स्कोर, जो कि इस प्राइस के फ़ोन के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर GPU में थोड़े से कम है 2500, पर ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है यहाँ पर प्राइस के हिसाब से। Antutu पे यहाँ पर रिजल्ट चेकआउट करें तो 600000 से ऊपर का ये स्कोर करता है, और जिस प्राइस में ये फ़ोन आता है काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और ये परफॉर्मेंस सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, मैंने यहाँ पर BGMI खेला, गेमिंग यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाती है, गेम प्ले काफ़ी अच्छा था यहाँ पर, 40 FPS आराम से फ़ोन निकाल के दे रहा है, और गेम प्ले यहाँ पर कोई लैग वैग होता हुआ मुझे नहीं दिखा। सेटिंग्स की बात करूँ तो स्मूथ पर यहाँ पर आपको एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है, यही सेटिंग मैंने रखी थी जब गेम प्ले रखा। बाकी HD में यहाँ पर अल्ट्रा तक सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, अल्ट्रा HD यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, सो इस टाइप से सेटिंग देखने को मिलती है। एसफल्ट यहाँ पर मैंने खेला, एसफल्ट भी यहाँ पर काफ़ी स्मूथ था, जो भी मैंने 15000 के फ़ोन जितने भी टेस्ट करे हैं उनमें काफ़ी स्मूथ थी इसकी परफॉर्मेंस, तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में। अब गाइस करते हैं एक रैम एंड स्टोरेज टेस्ट, हमारे कोई भी यहाँ पर टास्क ओपन नहीं है प्रीवियस रैम में, और यहाँ पर सबसे पहले खोल लेते हैं हम एक गेम, और एसफल्ट हमने खोल लिया। गेम लोडिंग टाइम यहाँ पर आपको तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, जल्दी गेम वगैरह लोड हो जाते हैं। तो एसफल्ट यहाँ पर ऑन हो गया, और अब नेक्स्ट खोल लेते हैं यहाँ पर हम सेंड एनीवेयर ऐप, जिससे आप फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करोगे कभी, और इंस्टाग्राम यहाँ पर हम लोग खोल लेते हैं, बाकी आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे हमें। बाकी Geekbench हमने ओपन कर लिया, इसके बाद स्पॉटिफाई, क्रैकबज़, और अब इसके बाद चलते हैं क्रोम पर, क्रोम खोल लिया है, कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और इसको व्यू पे लगा के डाल देते हैं। अब सारे टास्क को एक बार रिपीट करके देखते हैं, तो यहाँ पर मैं बात करूँ गेम, यहाँ पर गेम रीलोड हो गया, बाकी सेंड एनीवेयर यहाँ पर मेमोरी में था, इंस्टाग्राम भी, Geekbench भी मेमोरी में है, स्पॉटिफाई भी यहाँ पर मेमोरी में है, और क्रैकबज़ की बात करूँ तो ये भी ऑलमोस्ट मेमोरी में है, और क्रोम भी, कैमरा भी, गेम को छोड़ के यहाँ पर इसने सारे टास्क मेमोरी में रखे, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है। बाकी इसमें आपको रिप्लेसेबल बैक पैनल देखने को मिल जाते हैं, सो हम लोग उसे खोल लेते हैं। स्क्रू आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता बॉक्स के अंदर, तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर ले आए अपना, और ये काफ़ी ईजी है इसको खोलना, जस्ट आपको इसके स्क्रूज़ को ढीले करना है और फ़ोन का यहाँ पर पैनल को निकाल लेना है, तो बहुत ही आराम से ये इस तरह से आ जाता है, लास्ट वाले पैनल को आपको इस तरह से खोलना है स्क्रू को। अब सारे यहाँ पर स्क्रूज हम पीछे की तरफ डाल देते हैं, और फ़ोन को यहाँ पर पहले सिम ट्रे को निकाल देते हैं, जिससे थोड़ा सा यहाँ पर आसान रहे, वरना वो ट्रे यहाँ पर बीच में अटक सकती है। और इसके बाद यहाँ पर निकाल दिया हमने, कुछ इस टाइप का ये दिखता है बैक कवर हटने के बाद। बाकी यहाँ पर आप दूसरा पैनल अगर आपके पास कोई है वो लगा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, और जो भी एसेसरी आप इसके साथ परचेज करना चाहो वो भी ले सकते हो। इसकी क्वालिटी मुझे ओके ओके लगी, बाकी यहाँ पर लगाना भी उतना ही आसान है, रख देना आपको इसको, और इसके लॉक्स वगैरह लग जाएंगे, सबसे पहले बड़े वाले स्क्रू को लगाना, फिर बाकी जितने स्क्रूज हैं इनको यहाँ पर लगा के टाइटन कर देना है। तो इसी तरह से यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है, कोई यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह नहीं आएंगी अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर कैसे करेंगे। अब चलते हैं गाइस कैमरा सैंपल्स की तरफ, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लोजअप शॉट्स करे फ्लावर्स वगैरह के क्लिक, तो यहाँ पर डायनामिक रेंज बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिली, फोकसिंग वगैरह भी यहाँ पर कैमरे की अच्छी है, तो मुझे यहाँ पर शॉट्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। अब कुछ मैंने रैंडम ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो क्लिक करी, वो फ़ोटोज़ भी यहाँ पर अच्छी आई, थोड़ी सी यहाँ पर कंट्रास्ट बढ़ा देता है फ़ोटो की, ये येलो टोन आपको देखने को मिलती है, बट फोटो ओवरऑल अच्छी लग रही है, और यहाँ पर आप इनको क्लिक करके डायरेक्टली सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। और डायनामिक रेंज देखते हैं, थोड़ी सी आपको ग्रीन येलो टोन मिक्स ही देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल फ़ोटो देखने में यहाँ पर अच्छी लग रही है, शार्प है फ़ोटो, तो मुझे अच्छी लगी। अब ह्यूमन शॉट्स की तरफ चलें, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको येलो टोन देखने को मिल जाती है, बट ओवरऑल स्किन टोन वगैरह देखें वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर मैं
फोटो की बात करूँ अच्छी है। फ्रंट कैमरे की यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाती है। अब फोन में डेप्थ सेंसर है तो पोर्ट्रेट्स भी देख लेते हैं, गजब के यहाँ पर पोर्ट्रेट्स निकल कर आते हैं। देख सकते हो काफ़ी महंगे कैमरे से क्लिक करी हुई ये फोटो लग रही है। फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस जबरदस्त टॉप नॉच देखने को मिलती है, नथिंग काफी अच्छे ऑप्टिमाइज करता है वीडियो और माइक। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30fps CMF फोन 1 के यहाँ पर बैक कैमरे से। कलर्स वगैरह कैमरा यहाँ पर काफी अच्छे कैप्चर कर रहा है और यहाँ पर लाइट के अपोजिट भी हम लोग चले जाते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। तो यहाँ पर भी काफी अच्छे कलर्स वगैरह शो कर रहा है कैमरा। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर बैक कैमरे से 1080p 60fps CMF फ़ोन के, और मैं यहाँ पर काफ़ी तेज वॉक कर रहा था जिससे आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह का पता चल जाए कि यहाँ पर स्टेबल वीडियो मिलती है या नहीं। तो मुझे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है फ़ोन की। ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्फी कैमरे से CMF फ़ोन 1 के, और यहाँ पर मुझे स्किन टोन्स काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। रेजोल्यूशन यहाँ पर 1080p 30fps है, और थोड़ा सा वॉक करके दिखा देता हूँ कि स्टेबलाइजेशन कैसा है। बाकी कलर्स को यहाँ पर थोड़ा सा इसने बूस्ट कर रखा है। अब रात में कैमरे की परफॉर्मेंस देखते हैं तो यहाँ पर मैंने नाइट मोड को ऑन रखा और कुछ फोटोज यहाँ पर क्लिक करी तो यहाँ पर थोड़े से एक्सपोजर वगैरह वाइट करने की कोशिश करता है, थोड़ी क्वालिटी वगैरह लूज हो जाती है, बट फोटो देखें तो यूजेबल सी आपको देखने को मिल जाती है। अब ह्यूमन शॉट्स की बात करूँ तो इनमें भी देख सकते हो थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर फोटोज में मुझे लॉस होती हुई दिखी, बट फ्रंट कैमरे के साथ ऐसा यहाँ पर नहीं था। फ्रंट कैमरा बहुत ही अच्छी यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहा है। अब पोर्ट्रेट्स रात में चेक करें कैसी दे रहा है ये, तो पोर्ट्रेट्स यहाँ पर ओके-ओके-ish हैं। ये वाली फोटो यहाँ पर काफी अच्छी आई है और फ्रंट कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा चाहे दिन हो चाहे रात। बैक कैमरे के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह भी और नथिंग को करने की जरूरत है। और नाइट में वीडियो की बात करें तो 1080p 60fps में वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, कुछ यहाँ पर खास ग्रेन्स वगैरह मुझे नहीं दिखे और क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको वीडियो की देखने को मिल जाती है, एकदम यूजेबल वीडियो है और रात में आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो। फ्रंट कैमरे से वीडियो देख लेते हैं तो फ्रंट कैमरे की वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त आई है। स्ट्रीट लाइट के नीचे हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर फोकसिंग में दिक्कत मुझे लगी और अपोजिट टू द लाइट थोड़ा सा कैमरा यहाँ पर ग्रेन्स दिखा रहा था, बाकी ये फोटो में काफ़ी अच्छा है कैमरा। हल्के फुल्के से यहाँ पर इश्यूज थोड़े से हैं। अब बैटरी की बात करूँ 5000 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और जिसका बैकअप मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। आप मेरे चैनल पर इसका चेकआउट कर सकते हो बैटरी टेस्ट। बाकी डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट आपको फ़ोन देखने को मिल जाता है, बट पानी में मत डुबाना, ये ख़राब हो सकता है स्क्रूज़ वगैरह की वजह से, फ़ोन खुला हुआ है पीछे से। अब बाकी ओवरऑल यहाँ पर इस फ़ोन को मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव्स में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत अच्छी रखी गई है तो परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी लगने वाली है स्पेशली इस प्राइस पॉइंट के अंदर। और नेक्स्ट चीज मैं बात करूं बैटरी लाइफ फोन की बहुत ही गजब की देखने को मिल जाती है। कैमरा की बात करूं काफ़ी अच्छे हैं, फ्रंट कैमरा स्पेशली बहुत अच्छा है, थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो नथिंग अपने अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स कर देगा। तो गाइज इस फ़ोन को आप परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।